नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना कपर राहत की खबर। 154 दिन बाद कोरोना के मामले में भारी गिरावट। बीते 24 घंटे में 25,166 नए केस, 437 लोगों की मौत। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, अब 40 साल के कम उम्र वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई खत्म। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट, राज्य में जल्द लागू होगा कानून। पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्ते, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारे हाथ बंधे हैं, महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 4 कार और नकदी से भरा हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे, रिपोर्ट में दावा। वैक्सीनेशन से छूटे लोगों को घर घर सर्वे कर चिन्हित कर रहे हैं 18,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना हुआ मुश्किल, UIDAI ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। आज से पंजाब में आना हुआ मुश्किल, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। भारत ने अफगान नागरिकों के लिए शुरू की नई वीजा कैटेगरी, 6 माह के लिए देंगे शरण। खुशखबरी, पीएम किसान योजना का पैसा हो सकता है दोगुना, खाते में 2,000 की जगह आएंगे 4,000 रुपए, जाने क्या है सरकार का प्लान। T20 वर्ल्ड कप 2021 के शेड्यूल का ऐलान, 24 अक्टूबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा, चेक काटने से पहले न करें ये गलती, वरना देना पड़ेगा जुर्माना, जाने RBI ने किए नए नियम। राशन के दुकानों पर तौल में नहीं होगी गड़बड़ी, कोटेदारों के लिए सरकार ने बना दिए सख्त नियम। अब देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर खरीद सकेंगे खाद के सामान, वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी करेंगे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, महाराष्ट्र और केरल में घिरे कर्नाटक में 1 महीने में बढ़े 90% केस। राजस्थान में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार, आम आदमी को मिलेगा फायदा। प्रदेश की 12 तहसीलों में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट। कार पार्किंग बना बड़ा मुद्दा, हाई कोर्ट ने 4 से 5 वाहन खरीदने पर लगाई लगाम। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद बूस्टर डोज के तौर पर नीजल वैक्सीन की तैयारी, भारत बायोटेक। अब LPG सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी मनचाहे समय पर, लेकिन देना होगा इतने रुपए तक चार्ज, बुकिंग से पहले ये जानिए नियम। सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, इस तरह के प्रतिबंधों का मकसद किट की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है। बिहार झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में अगले 5 दिनों में होगी भारी बारिश, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। वैक्सीन से छूटे लोगों को घर घर सर्वे कर चिन्हित कर रहे हैं 18,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, राज्य में वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार तेज करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रणनीति के अंतर्गत घर घर सर्वे अभियान शुरू किया गया है, जिसमें वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी तक लाखों लोगों ने पहला डोज नहीं लगाया है, इन नागरिकों को घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। इनका वार्ड अनुसार डेटा तैयार करने के बाद नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को अगले कुछ दिनों में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ताओं ने द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों की 18,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद ली जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, अब 40 साल के कम उम्र वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई खत्म। जी हाँ,
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया अब और सरल हो गई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव युवाओं के हित में है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की नहीं देना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने 40 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों के मेडिकल प्रमाण पत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 40 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को ही देना होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक हैं। इस बाबत सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्ते। एफएम निर्मला सीतारमण ने बताई कीमतों में कटौती नहीं करने की वजह। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। यही नहीं, डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत में बढ़ोतरी और रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीजों में दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की जा रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं किए जाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि ईंधन के आसमान छूती कीमतों के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए 1.44 लाख रुपए ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार के इस्तेमाल किए गए गलत तरीके के इस्तेमाल कर ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए ऑयल बॉन्ड का बोझ मोदी सरकार के ऊपर आ गया है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट महाराष्ट्र और केरल में घिरे कर्नाटक में एक महीने में बढ़े 90% केस। जी हां, लंबे वक्त से देश में कोरोना के दो केंद्र रहे केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले कर्नाटक के हाल भी बिगड़ने लगे हैं। एक महीने के भीतर ही यहां इलाजरत मरीजों की संख्या में 90% का इजाफा हुआ है। हाल में राज्य सरकार ने संकेत दिए कि वो संक्रमण प्रभावित क्षेत्र में तालाबंदी कर सकती है ताकि हालात और न बिगड़े। हालांकि राज्य में तेजी से टीकाकरण हुआ है, जिसमें अफसरों को भरोसा है कि संक्रमण बढ़ने पर भी वो टीकाकरण के बल पर हालात को काबू में पा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना हुआ मुश्किल। UIDAI ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। जी हाँ, अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है तो आपके लिए जरूरी खबर है। उदय ने आधार में एड्रेस कराने वाले नियमों में बदलाव किया है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। पहले उदय ने इन नियमों में ढील दी थी, लेकिन अब इन नियमों में फिर से बदलाव कर दिया गया है। उदय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। अगर आपके पास अब एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप आधार में एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेक काटने से पहले ना करें गलती वरना देना पड़ेगा जुर्माना। जाने RBI ने किए नए नियम। जी हाँ, अगर आप चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया, जिसका सीधा असर आपकी चेक के पेमेंट के तरीके पर पड़ने वाला है। यानी कि अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। अब चेक डालने के बाद तुरंत उसका अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे में चेक जारी करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और चेक जारी करने से पहले देखना होगा कि आपके खाते में पैसे हैं या नहीं, वरना चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने पर आपको खाते में पेनाल्टी भरनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन की दुकानों पर तोल में नहीं होगी गड़बड़ाई। कोटेदार के लिए सरकार ने बनाए ये सख्त नियम। जी हाँ, अगर आप भी राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब कोटेदार राशन की दुकान पर घटतौली नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने ये सख्ती लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते वक्त राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, पीएम किसान योजना का पैसा हो सकता है दोगुना। खाते में 2000 की जगह आएंगे 4000 रुपए। जाने क्या है सरकार का प्लान। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए की किस्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार बंगाल समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल बिहार समेत देश के कई राज्यों में मानसून के एक बार फिर एक्टिव होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों में बिहार झारखंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर जोन बना हुआ है। अगले 2 दिन में ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है, जिसके चलते राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ बारिश का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर यहाँ 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम यूपी के 17 जिलों में
बारिश के आसार हैं। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज जिलों में बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण क्षेत्र, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी के करीब चल रहा है। वहीं पूर्वी सिरा अपनी सामान्य स्थिति में है। ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम तथा उससे सटे हुए मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम और इससे सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा झारखंड से आंध्र प्रदेश की उत्तरी तट पर फैला हुआ है, जिसके चलते अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश से भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।